ये दुख की घड़ी है क्योंकि मुझे पता है देखो आदमी कुछ नहीं कर सकता, तब ये तो बहुत जल्दी अपनी गलती मानता भी है जी। और हमारे साथ कोई बाहर भी नहीं है, सारे टीम सभी सहयोग करे जो बाहर के भी है, हमारे गुजरात से भी है ठीक है, मेरी बात भी होती है उनसे, विनायक साउंड है ठीक है, मतलब मैं जिन जिनको जानता हूँ ठीक है, हमारे शिव भैया सारे डीजे से और बाकी और भी डीजे से देखिए, मैं उनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं है, जैसे पावर म्यूजिक हो गए, पंकज चीजें हो गए। एक चीज बोलूंगा देखिए, विवेक भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है भाई। सो फाइनली दोस्तों, फिर से वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं राहुल चरण डीजे व्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह एक वीडियो आई है हमारे विवेक भाई के चैनल पे, जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम पे वो टाइम आ चुका है जिसमें अब हमें दिखाना है कि हम लोग कितना सहयोग करते हैं हमारे अनुज भाई को, कितना हम प्यार देते हैं। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने पहले भी ये बात बोली भी है कि एक डीजे जो होता है वो सिर्फ डीजे ओनर की वजह से नहीं, जो पूरी टीम होती है वो उसकी वजह से हमें सुनने को मिलता है। तो अब वो मौका आ चुका है कि हम भी अपना जो परिवार है हम उन्हें प्यार दिखाएं कि हम कितना प्यार करते हैं। तो देखिए छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा कीजिए, मैं तो ये बोलूंगा यदि आप 50 रुपए करने के लायक है ना, चाहे 10 रुपए 20 रुपए जितना भी कर सकते हैं आप, मैं ज्यादा की वो नहीं करूंगा, तो आप उसे भी कीजिए। क्योंकि देखिए ये वाला सिचुएशन नहीं है कि कितना ज्यादा वो आ रहा है कितना नहीं, बाकी मैं आपको एक बार बताऊँ, हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हमारे पेरेंट्स साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे हेमंत भैया। देखिए हेमंत भैया मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा वीडियो खोला तो दिमाग, देखिए आपको पता ही है कुछ का कहीं चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग भाई सब ज्यादा लगाव और प्यार रखते हैं तो उसको तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा ही, क्योंकि मुझे मैं जान सकता हूँ इस घटना को पहले भी जिसको देख चुका हूँ, काफी लोगों के साथ हो चुकी है जी। और अभी बहुत अच्छे से वाकई बेचती हूँ क्योंकि अभी मैं कहीं ना कहीं मेरठ में जो दो भाई एडमिट है, उसको लखनऊ है और मोहन फैसला भाई जो है वो मेरठ है नैयर हॉस्पिटल में, दोनों भाई से मिलकर भी आया हूँ मैं, दोनों की हालत उनको वो तो खतरे में नहीं है, मतलब एक हाथ में फ्रैक्चर है और एक के भाई के पैर में चोट है, और जिसके हाथ में फ्रैक्चर है उस भाई के मतलब दो दांत में भी थोड़ी टूटे हैं और मुंह में चोट है उसके बाद, बाकी गुम चोट है थोड़ी बहुत उन लोगों के भी, लेकिन वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो भाई हमारा लखनऊ में एडमिट है वो भाई नहीं है खतरे में, डॉक्टर कह रहा है जब उसको होश नहीं आ जाता तब तो क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है, क्योंकि वो भाई अभी होश नहीं आया है, उसको दोबारा ट्रोमा में एडमिट किया गया है ऊपर के साइड आईसीयू से। सभी लोग इतना अफसोस जता रहे हैं इस चीज के लिए, भगवान से दुआ कर रहे हैं उन भाइयों के लिए कि जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंचे, अपनी फैमिली में पहुंचे त्योहार का टाइम है। बिल्कुल समझ सकता हूँ, तो कल भी एक त्योहार था, चाचा को अनुज ही है भाई, उसके भी बच्चे हैं भाई के, कल ही वो घर नहीं पहुंचा, तो मुझे पता है मैं जान सकता हूँ कितना फील होता है, कितना अफसोस होता है घर वालों को, और जहाँ सी बात है जो बंदा को चोट लगे उसे घर वाले कितना अफसोस बना रहे हो, क्या उनके लिए त्यौहार है कुछ भी, कोई त्यौहार नहीं है, वो दीपावली उस साल में एक बार त्यौहार आता है, इतना बड़ा त्यौहार आता है वो भी नज़दीक है, तो उनके लिए त्यौहार तो कोई त्यौहार ही नहीं माना जाएगा ना, और ऊपर से अफसोस चोट बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ चीज़ का, कि सब लोग मतलब निवेदन ही है मेरा, सब लोग भाई अनुज को जितना जो सपोर्ट हो सके सब लोग उस पर कीजिए, और किसी भी कारण बस अगर उसका नंबर नहीं हो तो अनुज मोनू फैसला है भाई, आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो जो भी राशि देना चाहते हैं नगद देना चाहते हैं आप बारकोड के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप मोनू से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तीसरा ऑप्शन यही है जो भी सहयोग अगर करना चाहता है वो मुझसे बात कर सकता है, मैं जो भी धनराशि होगी उसी जो व्यक्ति सहयोग करेगा उसके नाम से उसको रिपोर्ट रूप में लिख के मैं उसको सम्मिलित करके चाहे उसको बाय ट्रांसफर मनी ट्रांसफर जी अनुसंधान में करा दूंगा जिससे वहाँ पर उसको मदद मिल सके। बिल्कुल, और एक पीडीएफ बनाऊंगा अनुसो भेज दूंगा, तीन ही लोगों ने तुम्हारे लिए सहयोग धनराशि भेजी है। बिल्कुल मेरठ से, ये जहाँ से भी जो बंदा देगा मैं सहयोग करें जी, ये दुख की घड़ी है क्योंकि मुझे पता है देखो आदमी कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं एक मतलब राम जी को भी एक समर्थन किया था गिलहरी ने जी, ठीक है एक छोटा सा उदाहरण है जैसे गिलहरी ने, कहते हैं एक छोटे छोटे दिन कैसे भी बहुत सहारा बनता है, जिसे जो सपोर्ट करे ये नहीं होता कोई इंसान बहुत मोटा अमाउंट है जिसे जो बन सके, कोई जबरदस्ती नहीं है चाहे वो 200, 400, 500, 1000, 1100, 2000 जिसकी जो सहयोग राशि हो जिस पर जो जोड़ना पड़े वो अपना वहाँ समर्थन और सपोर्ट कर सकता है भाई को, तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन देखिए, मेरा भी देखिए, हमारे परिवार का व्यक्ति है वो। बिल्कुल, और मुझे पता है सब लोग उसके आंसर वाकई है, कुछ चीज ऐसे नहीं है, अगर सब वो गलती करता भी है तो बहुत जल्दी अपनी गलती मानता भी है जी, और हमारे साथ कोई बाहर भी नहीं है, जो भी उससे कहा जाएगा समझाया जाएगा हर चीज वो मानता है, हम सभी बाहर निकले हैं वो।
एसोसिएशन का मेंबर है, हमारे परिवार के व्यक्ति है, सबसे निवेदन है उसकी मदद चर्चा करें। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आज देखिए वाला टाइम नहीं है हेमंत भैया कि ये मेरठ का डीजे है, ये बाहर का डीजे है। मैं तो ये बोलूंगा जितने भी बड़े डीजे हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया डीजे, देखिए एक डीजे कम्युनिटी का मतलब है कि आप हमारे पूरे एक परिवार में आ चुके हैं। जहाँ चाहे इस स्टेट का डीजे हो, चाहे बाहर स्टेट का डीजे हो, देखिए मैं तो हमारे जो बड़े डीजे है, जितने भी सारे डीजे हैं, सभी सहयोग करे, जो बाहर के भी है, हमारे गुजरात से भी है, ठीक है, मेरी बात भी होती है उनसे, विनायक साउंड है, ठीक है, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, ठीक है, हमारे शिव भैया सारण डीजे से, और बाकी और भी डीजे से, देखिए मैं उनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं है, जैसे पावर म्यूजिक हो गए, पंकज डीजे हो गए, जी 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 नहीं सारण डीजे से तो मेरी भी सभी लोग, मैं कह रहा हूँ जितने भी बाहर के सब लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोगों का गर्व का स्वागत है, सारी मेरठ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सबके साथ हम खड़े हैं जी, मत वो चीज़ अपनी अपेक्षा रहती है, अभी हम वहाँ जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, वो आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यही जरूरी नहीं, जो भी जैसे भी भाईचारे में उसके साथ में जो दिल से डीजे लवर है उसका वो भी सपोर्ट आपका सपोर्ट करें। हाँ देखिए जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई भी है ना कहीं आप देखिए कि हम डीजे कम्युनिटी से ही जुड़े हुए हैं, जब हम डीजे का व्लॉग बनाते हैं तो हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, हम नहीं मानते हैं, हम आपसे अलग नहीं है, हम आपको मानते हैं, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं कोई गलती करता तो डायरेक्टली मैं उसे फोन करके बोल भी देता हूँ कि ये गलती करिए, इसको या तो हटा दो या सपोर्ट कर दो, मैं सब इस पर सी बात है, फैमिली मेंबर मानता हूँ तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल अगर फैमिली मेंबर नहीं मानता यूट्यूबर्स को तो मैं बोलता भी नहीं, इसमें चाहे कोई भी हो, मैं तो गलत बोलता हूँ उसके गलत खिलाफ बोलता भी हूँ, खुल के बोलता हूँ, जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छा बोलता भी, मतलब ठीक है परिवार के व्यक्ति हैं, अच्छा बुरा जो भी करता है उसको समझाना हमारा फर्ज बनता है, और बाकी तो जितना इस टाइम जो क्रिटिकल हालत उस बंदे की है, सब लोग अपना हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करें जी, भाई चल से जल्द ठीक हो, क्योंकि दुआई वही चीज़ है तो सबकी लग सकती है, बड़ा कुछ लग सकता है। बाकी मैं तीनों जो QR कोड है ना हमारे, जैसे अनुज भाई का से QR कोड चल नहीं रहा है, हमारे अम्बेडकर नगर विवेक भाई है, हमारे मोनू भाई है, बाकी मैं लगा दूंगा अनुज भाई का भी QR कोड, और बाकी जो हमारे मेरठ वाले भाई है वो हमारे हेमंत भैया से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कैसे भी करके उसको सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है आज शाम को मोनू भाई का शायद लखनऊ जा रहा है जी, और भी भाई कोई कोई अपना लखनऊ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल मुझे अपना वैसे भी फोन कर लखनऊ जाने के लिए अपेक्षा तैयार थे। हाँ। मैंने उन लोगों को बोला है कि ठीक है आप जो भी सब लोग हमारी भी सहमति बनी, बस उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे जिले के लोग हैं, सहारनपुर, शामली, बाबरपड़ो और आपका हापुड़, मोती नगर, गाजियाबाद, नोएडा, सभी से मेरा मतलब कोऑर्डिनेशन सबसे हो रहा, सबसे बातें चल रही हैं मेरी, और मुरादाबाद में भी नितिन हमारी हमारे सबसे मतलब बात चल रही है मेरी, सब लोग बहुत रेडी हैं और सब लोग मजबूती के तैयार हैं अपना सहयोग करने के लिए, और मैं तो ये चाहूँगा जो भी सहयोग करना चाहता है आप अनुसर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन मेरे पास बनता है कि हाँ जो भी धनराशि दें अपने नाम के अनुसार मेरे को भेज सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि उसी PDF फाइल बना के और अपना एक्सेल की शीट बना के उस भाई को सपोर्ट कर सकूँ, बता सकूँ और मनी ट्रांसफर उसको भिजवा सकूँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना बारकोड में काफ़ी बार उसका नहीं काम कर रहा है, फोन आ रहा है उसका बारकोड काम नहीं कर रहा है, तो बाकी विवेक के भाई अम्बेडकर उस भाई को भी सब हर कुछ जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, और मैं एक चीज बोलूंगा हेमंत भैया, देखिए विवेक भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है भाई, मैं बिल्कुल भाई देखो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको भाई थैंक यू बोलता हूँ, मैं देखिए धन्यवाद करता हूँ भाई का हाथ जोड़ के, बिल्कुल भाई हमेशा ठीक रहे, यही खुशी का टाइम साथ है वो, बिल्कुल देखो अनुज वहाँ अकेला था वो चौबीस घंटे बंदे के साथ है, तो सहारा बहुत बड़ी चीज होती है, अकेले इंसान टूट जाता है, इंसान साथ में जाकर खड़ा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, और वो बंदा वहाँ पे खड़ा है उसके साथ में, तो उसका दिल से धन्यवाद करते हैं भाई का, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे आए मिलके हमारे मोनू भाई और हमारे जो भाई है ना मैं आपको बताता हूँ, हमारे टीटी भाई, बिट्टू भाई और हमारे अमित भाई एडमिट है, ठीक है वो लोग उनके पैर पे जो है पट्टी वगैरह सब हो रखी है, आराम कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्या होता है आईसीयू में है जी, आईसीयू में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है ठीक से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी हालत थोड़ी सी उनकी भी गंभीर है, ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं वो, तो उनकी भी अंदरूनी काफी चोट है, बट वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो लखनऊ में भाई है मेन फ्रैक्चर है उनका, लेकिन जो लखनऊ में भाई है उनको थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल है, पहुंचा था, लेकिन आपके आशीर्वाद दुआ से सब ठीक हो जाएगा, आप लोग प्यार सपोर्ट करें, हाँ देखिए ये छोटा सा एक क्लिप था हमारा हेमंत भैया, ये की आज मैं मिलकर आया हूं भाइयों से, बिल्कुल राहुल को मैंने कॉल जिसका जो अपना देखना जाना चाहता है बिल्कुल वहाँ देख के आ सकता है मेरठ में, तो कोई लोग हर कोई लखनऊ में जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, चोट तो उन भाई की भी है, बिल्कुल लखनऊ है वो दूर है, वहाँ भी एक बार हम चलेंगे सब लोग मिलकर और भाई को सपोर्ट करते हैं, जितना भी जो निवेदन बनता है सबसे सब लोग उसको सपोर्ट करें, निवेदन है।
धन्यवाद सभी को। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन भाई सपोर्ट करना है, देखो दिल से आप सबको मैं कह रहा हूँ कि 10, 20, 50, 100 मैटर नहीं करता है आज के टाइम में, सिर्फ हेल्प कीजिए आप, शर्म की बात नहीं है, जिससे जो सहयोग बने वो कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हम तो मेरे नाम से करो, नाम से भी ज्यादा करो तो हो सकता है कभी हम हमारा अच्छा सुझाव होगा, सबसे अच्छी हो सकता है, हम आपको बाकी रिवर्ड भी करा सकते हैं, एसोसिएशन मेरिट की पूरी मदद करेगी आपकी भी, हर जगह की जो इंसान हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे परिवार का व्यक्ति है जी आज इस मुसीबत से बाहर निकल के कैसे भी करते हैं, ये मेरा ध्यान निवेदन से धन्यवाद भैया, धन्यवाद, जय श्री राम भैया सभी को, आप सब भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे और हमारे भाई को प्यार करते रहे, धन्यवाद।